इस वक्त की खास खबर, भारत देश का झंडा दो रंगा ही नहीं तिरंगा ही चलेगा, मोदी सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है की बातों के दोष के साथ आज अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल की 13वीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आगाज हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने वर्चुअल ऑनलाइन हिस्सा लिया। कार्यक्रम के आरंभ में राष्ट्रीय अध्यक्ष देसाई, प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत, वेस्ट जोन के इंचार्ज चंद्र प्रकाश वाजपेयी, लालजी मिश्र, बलराम भदौरिया, सत्येंद्र यादव आदि ने दीप जलाकर राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करी। कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि देश की मोदी सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई ने कहा कि भारत देश का झंडा दो रंगा नहीं तिरंगा ही रहेगा। भाजपा पर कड़े प्रहार करते हुए कहा कि न राशन है न शासन है, मात्र भाजपा का ही भाषण है। भाजपा का दोहरा चेहरा और दोहरा मापदंड देश की जनता देख रही है। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने कहा कि सेवा दल की भूमिका अलग है, हमें अलग से निभाकर दिखाना है। शेखावत ने कहा कि सेवा दल प्रचारक नहीं विचारक बनाता है। अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी सत्येंद्र यादव, लालजी मिश्रा, अरमजीत सिंह, योगेश यादव, बलराम भदौरिया, चंदन बैरवा ने देश भर से आए पदाधिकारियों को संबोधित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मित पटेल, किरण मोरन, नारायण कुमार, प्रदेश यूथ ब्रिगेड के जगदीश गोदारा, आबूरोड नगर कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रदेश कांग्रेस सदस्य अमित जोशी, सेवा दल के आबूरोड मुख्य संगठक सुदेश छावरा, जिला संगठक कमलेश रावो, पार्षद सुनील खोत, निदेश मेघवाल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष जेपी सिंह, जिला कांग्रेस के प्रवक्ता ललित सिंह सांखला, गजेंद्र काक सहित देश भर के कांग्रेस पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।